40 साल की उम्र के बाद बहुत सारी लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि यूरिन जल्दी जल्दी आ रहा है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो रहा, लीक हो जाता है, रात को उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए, नीचे के एरिया में खिंचाव है, भारीपन है। और यही नहीं, बहुत सारी लेडीज़ इसके बारे में बात करने में शर्म और संकोच महसूस करती हैं। यहाँ तक कि मेरे पास आती हैं कि डायपर्स और पैड्स 50, 60, 70 साल की लेडीज़ यूज़ करती हुई कि हमने गिव अप कर दिया, इसका कोई इलाज नहीं है, और अपने कमरे में बंद होकर रहती हैं क्योंकि यूरिन की स्मेल आ रही होती है। तो आज का ये वीडियो ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम्स के समस्या का समाधान के लिए बनाया है। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियोस आपके हेल्थ के लिए। आप फायदे रहेगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देखें। पहले वीडियोस में हमने बात करी कि 40 साल के लगभग लेडीज़ में अंडों की कमी होने लगती है और अक्सर ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं। अब ये ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स हमारे यूरिन का स्टोरेज बैग, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उस पर भी नियंत्रण रखते हैं। उससे जो ट्यूब निकलती है यूरिथ्रा, उस पर भी काम करते हैं। और नीचे जो मसल्स, एक प्लेट ऑफ मसल्स होती है जिस पे ये सारा एरिया सपोर्टेड होता है, पेल्विक फ्लो, उस पर भी काबू कर रखते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन की कमी होती है तो ये सब कम काम करना शुरू कर देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर अच्छी तरह यूरिन निकाल नहीं पाता है, इसलिए पेशाब करने के बाद भी कुछ अंदर रह जाता है, तो आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। यूरिथ्रा की लाइनिंग ड्राई हो जाती है, इसलिए उसमें से बैक्टीरिया नीचे से ऊपर घुस जाते हैं और बार बार यूरिन इन्फेक्शंस करते हैं। आपका पेल्विक फ्लोर यूजुअली जब आपकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होता है, और इस उम्र पर ईस्ट्रोजन की कमी से वो डैमेज ज़्यादा उभर जाता है, जिससे किसी किसी का यूट्रस और पेशाब की थैली नीचे आने लगते हैं और यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई बार ये प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके बचाव के लिए आप सबको कीगल्स एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो मैंने पहले एक वीडियो में समझाई हुई है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन रिच डाइट, जैसे कि फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं सोयाबीन में, दालों में, और डाइट वाले वीडियो में हमने विस्तार से बात की है, वैसी डाइट खानी चाहिए। नीचे के एरिया को साफ सूखा रखना चाहिए, कॉटन अंडरगार्मेंट्स लेने चाहिए, और आपको कोई डिओड्रेंट्स, वेजाइनल डूशेस, सेंटेड प्रोडक्ट्स उस एरिया में नहीं यूज़ करने चाहिए। आपको अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेट के साथ ऑलरेडी ड्राई स्किन अगर रगड़ती है तो और परेशानी होती है। इलाज के लिए वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है सर्दियों में, आप यहाँ लगाते हैं, उसी प्रकार वेजाइना के लिए स्पेशल मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो आप चाहे तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं। किंतु एक्चुअल कारण तो ईस्ट्रोजन्स की कमी है, तो ईस्ट्रोजन्स ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और ये वेजाइना में लोकली लगाए जा सकते हैं और बाहर की स्किन पे भी लगाए जा सकते हैं। ये आपको अपने डॉक्टर से पूछ के लगानी चाहिए, और क्योंकि आप लोकली लगा रहे हैं इसलिए इनके बाकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जैसे कि HRT के होते हैं। किसी किसी केस में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हमें HRT देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर प्रोलैप्स या सिस्टोसील है तो कई बार उसके लिए हमें पेसरी लगानी पड़ती है या ऑपरेशन करके उसे ठीक करना पड़ता है, और कई बार इन सब इलाज का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना पड़ता है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के इलाज हैं, इसलिए मायूस ना हो, डॉक्टर के पास आए। इलाज में समय लगता है, इसलिए सब्र रखें, गिव अप नहीं करें। अगर आपको ये जानकारी अब मिल रही है तो आप अगर 60-70 साल के तो भी आ सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही। अगर यस, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आर हेल्थ फ्रेंडली चैनल गायनीपीडिया। हम जल्दी ही आपको अगले वीडियो के संग मिलेंगे। नमस्कार।